बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। धनक चैनल की तरफ से खुश आमदीद नाज़रीन। आज हम बनाएंगे बीफ मगज़। बहुत आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो आइए फिर हम आज की ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं, बीफ मगज़। मगज़ को धोने के लिए मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लिया था और उसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करके तो उसमें इसको मगज़ को रख दिया और फिर इसको धो लिया। जो इसके ऊपर झिल्लियाँ वगैरह थी वो सारी उतार ली अच्छे से, तो इसीलिए अब मैंने इसमें नमक थोड़ा कम डाला है। जैसे जैसे पकता जाए इसको इस तरह से करते जाए। इसको पकाने के लिए लकड़ी का चम्मच बहुत बेहतरीन रहता है। देखें जैसे बिल्कुल इसके बारीक पीसीज हो जाएंगे। अब ये पकने के करीब हो गया, अब इसमें हम 1/2 टीस्पून गरम मसाला शामिल कर देते हैं। इसमें हमने कोई लहसुन अदरक या प्याज वगैरह शामिल नहीं किया। ये देखें नाज़रीन, ये अच्छे से पक गया। अब इसमें हमने ये बिल्कुल थोड़ा सा लेमन जूस समझे 5-6 ड्रॉप्स डालें तो ये शामिल करके हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इस जगह आप चाहें तो इसमें सब्ज़ मिर्चें या सब्ज़ धनिया डाल सकते हैं, तो अदरवाइज़ इसमें ज़रूरत नहीं है कि आप डालें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ऑप्शनल है कि आपको पसंद हो तो आप डाल लीजिए। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से भुन गया। बहुत अच्छे तरीके से भुन गया, ये तैयार हो गया। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये लीजिए नाज़रीन, हमारी बीफ मगज़ की रेसिपी तैयार है और बहुत आसानी से और जल्दी से बन गई। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी ये रेसिपी। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। जाने से पहले कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।